हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 2.4 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.4 का। ध्यान से सुनिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई ए। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट्स ऑफ, व्हाट इज द नंबर। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें सिर्फ 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, हमने पहले भी आपको बताया, कभी भी अगर लेट करना पहले तो हम सॉल्यूशन राइट करेंगे। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। और कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो और हमें ये समझना हो कि लेट क्या करें, क्या हमें लेट करना है ना, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है वही हम लेट करेंगे। तो लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट वाली लाइन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ना, ये तो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो भी लेट करना है, जो भी पूछ रहा है वही हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट क्या करना है, जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नंबर, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इक्वल यक्स, लेट द नंबर इक्वल यक्स। लेट द नंबर इक्वल यक्स मीन्स माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर यक्स या वह संख्या बराबर। ठीक है, माना वह संख्या बराबर यक्स। हम मान लेते हैं कि वो संख्या कौन सी है, यक्स है। वो हमारी संख्या कौन सी है, यक्स है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना एक नंबर सोचती है। कौन सा नंबर सोचा है, मान लो हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों ने कोई एक नंबर सोचा है, कौन सा नंबर सोचा, तो आप लोगों ने कौन सा नंबर सोचा, यक्स सोच लिया ना, कि हमने यक्स सोचा, हमने मान लिया कि हम एक नंबर ले रहे हैं, वो कौन सा नंबर है हमारा, यक्स है। वो नंबर कौन सा है, यक्स है। फिर कह रहा है एड सब्सट्रैक्टेड 5/2 फ्रॉम इट, अब इसी जो नंबर अमीना ने सोचा है ना उसी में से कितना घटा देती है, 5/2, तो ये नंबर कौन सा है हमारा, यक्स। यक्स में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दे, घटा दे, 5/2 घटा दे ना, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई ए। अब वो जो परिणाम आता है, परिणाम का मतलब अगर यक्स में से जो नंबर हमने सोचा है उसमें से इतना घटा दे तो जो भी आएगा, जितना बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या कह रहा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, अब ये जो रिजल्ट बनता है यानी अगर हम यक्स में से 5/2 घटा दें और 8 क्या करते हैं, गुणा कर दें, तो क्या मिलता है हमें, तो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, यानी अब वह जो परिणाम मिलता है सोची गई संख्या की तिगुनी है, 3 टाइम्स है। अब हमारा संख्या कौन सा है, हमारी संख्या कौन सी है, यक्स, और यक्स की 3 टाइम्स हो जाती है। मतलब अमीना जो नंबर सोचती है, यक्स सोचती है, उसमें से जब उसने देखा कि हम 5/2 घटा दे रहे हैं और उसमें 8 से गुणा कर दे रहे हैं, तो जो नंबर अमीना ने सोचा है वो उसका क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और मैंने इक्वल क्यों लगाया, मैंने बताया था आपको कहीं पर गुना, गुनी, मोर, लेस, ऐसे कुछ भी आएगा हमेशा क्या लगता है, इक्वल लगता है ना, ये तो बोला था क्या लगता है, इक्वल लगता है, या टाइम्स है ना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा कुछ आएगा तो क्या लगता है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इक्वल का साइन लगाया। अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें, अब आगे चलते देखते हैं क्या है। अब ये इनके यहां भी जाएंगे और ये इनके यहां भी जाएंगे,
मींस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 5 बाई 2 इक्वल 3x। 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, मींस 8x माइनस 4 5 जा 20 इक्वल 3x। और मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब x वाला टर्म, y वाला टर्म, अल्फाबेट का जो भी टर्म होगा वो इक्वल के इस साइड ले आएंगे, नंबर उस साइड, वैल्यू उस साइड ले जाएंगे, तब ये 3x को इधर ले आएंगे, मींस ये हो जाएगा 8x। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं दिख रहा, मींस कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो ये अगर इक्वल के उस साइड कोई भी नंबर होगा, कोई भी वैल्यू होगी, अगर वो प्लस में होगी तो अगर इक्वल के इस साइड ला रहे हैं किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x हो गया, इक्वल इक्वल। अब ये माइनस 20 है, देखो 20 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। अब ये माइनस 20 है तो उधर ले जाओगे तो प्लस 20, और प्लस राइट करेगा ना करे, तो 8 है, 8 में से 3 माइनस करिए 5x इक्वल हो जाएगा कितना 20, तो x इक्वल आ गया 20, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 5 में चला जाएगा, नहीं 5 5 5 बन जा 5 5 हो जा 20, यानी x इक्वल आ गया आपका 4। क्या लिखेंगे, द नंबर, द नंबर इक्वल 4, वह संख्या बराबर 4, वह संख्या बराबर 4। अब देखिए, अगर हमको देखना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत, ना हमें चेक करना हो, और हमारे पास बुक भी नहीं है, हमारे पास आंसर की भी नहीं है कि हम किससे चेक करें, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल आंसर सीट देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये जो आपने क्वेश्चन बनाया उसी में रखिए और इसके इक्वल आ जाना चाहिए। देखते हैं, रख के देखते हैं आंसर कैसे चेक करते हैं। एट, अब x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 4 माइनस 5 बाई 2 इक्वल 3 इंटू 4। अगर ये इसके इक्वल आ जाता जान लेंगे सही है, तो 8 है। अब यहाँ 2 एलसीएम लिया, 4 2 जा 8 माइनस 5 इक्वल 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 8 इंटू, अब 8 में से 5 गए 3 अपॉन 2 इक्वल 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 3 जा 12, 12 इक्वल 12, मींस आवर आंसर आर करेक्ट, आंसर कैसा है, सही है, और हमें आंसर सीट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2।